दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने पुलवामा शहीद दिवस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति ने बताया कि यह पुतला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जलाया गया है, क्योंकि 2019 में 14 फरवरी के दिन ही हमारे वीर सैनिकों के ऊपर हमला करवाकर मरवा दिया था, जिससे कि 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि यह नए युग का भारत है, यह अब आपके घर में घुसकर मारेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति ने कहा, आज हमारा पूरा देश जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 40 जवानों को याद करने के लिए ये अरे राजा याद करने के लिए ब्लैक डे के रूप में आज यहाँ इमरान खान का पुतला जलाया गया है। मेरा नाम जतिन मिश्रा है। आज किसका पुतला जलाया? इमरान खान का पुतला जला गया है। क्या संदेश दिया गया? यही संदेश दिया गया है जो 2019 में 14 फरवरी को श्रीनगर के पुलवामा जिले में स्थित जो हमारे 45 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पुतला जलाया गया है। आज हम लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी का हम लोग पुतला जलाए हैं, और उनके जो करीबी भी है जैसे मोहम्मद जी हैं जो हमारे भारत के सैनिकों के ऊपर हमला करवाए थे, मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह भारत आपके घर में घुस के आपको भी मारेगा। आप पूरे पाकिस्तान वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि भारत हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। सतीश प्रजापति, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, गोरखपुर।